मैं चंद्रशेखर ने पूरे होश में ये पत्र लिखकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ कि ये कदम उठाने में मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी के मामलों से तंग आ गया हूँ। मेरे पड़ोसियों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिए हैं। मेरे पड़ोसी डॉक्टर शिवानी निषाद मेरे और मेरी मम्मी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा कर मेरा भविष्य खराब कर दिए हैं। मैं इंदौर में कोचिंग के लिए घर गिरवी रख कर गया था ताकि मैं नौकरी कर अपने परिवार को सहयोग कर पाऊँ, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर जो केस दर्ज करवाए जिसके कारण ना मैं पढ़ाई कर पाया ना ही अब घर में रहता। शिवानी दीदी मुझे धमकी देती है, घर बेचकर मोहल्ला छोड़कर चले जाओ, नहीं तो बलात्कार छेड़छाड़ के केस में फंसाकर तुम्हें जेल भेज दूंगी। इतने डर में मैं नहीं जी सकता। इनके खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाने जाओ, हमारी शिकायत दर्ज नहीं करते। मैं परेशान हो गया हूँ। परिवार की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि कोर्ट कचहरी में पैसे लगा पाए। इतनी प्रताड़ना मेरे पड़ोसियों से झेलने के बाद अब जीने की इच्छा खत्म हो गई है। शिवानी दीदी मुझे धमकी देती है तो बलात्कार छेड़छाड़ के केस में फंसाकर तुम्हें जेल जेल भेज भेज दूंगी। दूंगी। क्राइम नंबर 39/2023 फॉर ऑफेंसेस सेक्शन 34/306 अंडर सेक्शन 306 एंड 34। मैडम व्हाट आर द एलिगेशंस? यस सर, मे आई रीड द कंटेंट्स ऑफ द या मैम प्लीज। देयर इज अ डाइन डिक्लेरेशन ऑन दैट प्रोसेस। मैंने डाइन डिक्लेरेशन में एलिगेशन क्या है जी? आई एम रीडिंग। चले डाइन डिक्लेरेशन पढ़ लेते हैं जी। That declaration is at which page, madam? Lordship, I have filed the FIR only just two days. आपके पास डायरी है? हाँ, अभी आ गया है मेरे पास भी। FIR चार्जशीट अभी फाइल हुई है, क्योंकि ना हर वकील कहता है अभी सुबह मिला है सर। नहीं नहीं लॉर्डशिप, हमने चार्जशीट फाइल हुई 28/4/2024 को और पिटीशन हमारी मैं चंद्रशेखर हूँ जो अपने पूरे होश में पता कर रही है। मैं कोर्ट के चलिए तंग आ गया हूँ। मेरे पड़ोसियों ने मेरा जीवन मुश्किल कर दिया। मेरे पड़ोसी डॉक्टर निषाद, उनकी मम्मी रानी निषाद जी। मैडम आप पढ़िए। यस सर। मैं चंद्रशेखर आहूजा अपने पूरे होश में ये पत्र लिखकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ कि ये कदम उठाने में मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी के मामलों से तंग आ गया हूँ। मेरे पड़ोसियों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिए हैं। मेरे पड़ोसी डॉक्टर शिवानी निषाद, उनकी मम्मी रानी निषाद, कैलाश नंदनवार, अनीता नंदनवार, तीजन कुशराम ने मेरे और मेरी मम्मी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा कर मेरा भविष्य खराब कर दिए हैं। मैं इंदौर में कोचिंग के लिए घर गिरवी रख कर गया था ताकि मैं नौकरी कर अपने परिवार को सहयोग कर पाऊँ, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर जो केस दर्ज करवाए जिसके कारण ना मैं पढ़ाई कर पाया ना ही अब घर में रहता। यहाँ बम्हनी बंजर में रहने का कारण यही है, क्योंकि शिवानी दीदी मुझे धमकी देती है, घर बेचकर मोहल्ला छोड़कर चले जाओ, नहीं तो बलात्कार छेड़छाड़ के केस में फंसाकर तुम्हें जेल भेज दूंगी। इतने डर में मैं नहीं जी सकता। इनके खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाने जाओ तो शिवानी दीदी के परिचित पुलिस आरक्षक सोएंसो, शैलेश गौतम और माटे हमारी शिकायत दर्ज नहीं करते। मैं परेशान हो गया हूँ। अभी मैं यहाँ बमनी में हूँ तो ये लोग मेरी मम्मी से लड़ते हैं, मारने पीटने नॉट विजिबल, मारने पीटने का प्रयास करते हैं, अभी तक वो भी नहीं बिका। परिवार की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि कोर्ट कचहरी में पैसे लगा पाए। इतनी परेशानी, इतनी प्रताड़ना मेरे पड़ोसियों से झेलने के बाद अब जीने की इच्छा खत्म हो गई है। कंटेंट्स ऑफ द टाइम डिक्लेरेशन नहीं नहीं मैडम, असली चीज तो आपने छोड़ दी है। खत्म हो गई है। भगवान इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। ये लोग मैडम जी, आपने असली चीज तो बीच में से छोड़ दी है जी। पढ़ा है, परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि कोर्ट कचहरी में पैसा लगाए। इतनी परेशानी, इतनी प्रताड़ना मेरे पड़ोसियों से झेल। शिवानी दीदी मुझे क्या धमकी देती है? ये कहाँ पढ़ा? पढ़ा ना मैंने, पढ़ दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। मैंने पढ़ा है सर, फिर से बता दीजिए। शिवानी दीदी मुझे धमकी देती है, घर बेचकर मोहल्ला छोड़ के चले जाओ, नहीं तो बलात्कार छेड़छाड़ के केस में फंसा कर तुम्हें जेल जेल भेज दी। जी, इतने डर से मैं नहीं जी सकता। इनके खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाने जाओ तो शिवानी दीदी के परिचय पुलिस आरक्षक शैलेश गौतम और माटे हमारी शिकायत दर्ज करने ही नहीं देते। जी, ये मेन एलिगेशन है। ये मैंने पढ़ा सर, कोई बात नहीं। मैं एक्चुअली दूसरे डॉक्यूमेंट देख रहा था, आई माइट हैव मिस्ड इट, नो डिफिकल्टी। इस पे आप बताइए, किसी को ये आरोप लगाना है तेरे को हम झूठे ऑफेंस में बलात्कार के केस में फंसा देंगे। लॉर्डशिप, ये एलिगेशन लगाए इन्होंने जो डाइंग डिक्लेरेशन में ये मेंशन किया है, ये एक पीएससी की तैयारी कर रहे थे जैसा। व्हाटएवर इट इज, ये डाइंग डिक्लेरेशन है, वेदर इट इज रिलायबल और नॉट रिलायबल, इट इज द जॉब ऑफ द ट्रायल कोर्ट। आई अग्री। Now the only allegation is that the applicant number one was in a habit of threatening
the deceased that she would falsely implicate him in a false case of rape. Lordship, if the entire process, case diary I have perused, Lordship, there is not a single Madam, document. Madam, case diary आपके हाथे कैसे चढ़ गई थी बता? नहीं, Lordship, I am sorry. I have. आपने case diary बोला मतलब सच निकलता है इस कोर्ट में? No, no, Lordship, I have gone through the entire charge sheet. आपने कहा you have seen the entire case diary? Not the case diary. 172 के लाइट में आप बता दीजिए, आप तो इतने पावरफुल हैं, ऐसे यही तो लिखा है कि आपके. Lordship, I have gone through the charge sheet, Lordship, I have. Madam. आपके FIR में लिखा है, सॉरी डाइंग डिक्लेरेशन में लिखा है कि पुलिस वाले आपके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखने देते, और आप कह रहे हैं मैंने डायरी देखी हुई है? डायरी नहीं लॉर्डशिप, आई हैव गॉन थ्रू द चार्ज शीट, द चार्ज शीट इज बीन फाइल्ड ऑन 28/4/2024, देन आई हैव गॉन थ्रू द एंटायर चार्ज शीट, पूरे चार्ज शीट में देयर एक सिंगल ऐसा कोई कंप्लेंट तक फाइल कहीं किया हुआ है जो इन्होंने कहीं सीएम को दिया हो या किसी सीएम हेल्पलाइन में दिया हो या कहीं में भी कोई कंप्लेंट किया हो? मैडम अनफॉर्चुनेटली डायरी में सब लगी हुई है, मैं वही देख रहा था जब आप पढ़ रही थी। हमें जो कागज दिए, हमें जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए उसमें सिर्फ एक एनसीआर इन्होंने लगाई हुई है जो इन्होंने हमें दिया है, उसके अलावा कोई भी दस्तावेज इन्होंने नहीं दिया, एक एनसीआर पेज नंबर 56 है। नाउ लॉर्ड, ये इनकी मदर का नाम क्या है? रानी निषाद। रानी निषाद इज द मदर ऑफ डिसीज्ड की मदर का शांति भाई है शायद जी मैडम, शांति आहूजा जी। इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं लॉर्डशिप, शांति आहूजा के भी स्टेटमेंट्स लगे हुए हैं। मेरा प्राइमा फेसी लॉर्डशिप आर्गुमेंट ये है कि इवन पूरा का पूरा प्राइमा फेसी केस को एज इट इज भी एक्सेप्ट किया जाए तो जो 107 के इंग्रेडिएंट्स हैं लॉर्डशिप, देन 107 के मैं वही कह रहा हूँ, किसी को भी झूठा 376 के या 354 के केस में फंसाने की धमकी देना नहीं आएगा, बस इतनी बहस कर दीजिए। There must be some evidence. कुछ evidence तो evidence, dying declaration is more than sufficient. मैंने आपसे कहा whether it is reliable or not reliable, it is a matter of trial. What else is required, madam? Dying declaration पे Supreme Court का क्या law है? That a person who is on his dead bed is not likely to speak false. Yes, but it is not the gospel truth, it is subject to verification whether it is proved or not. Yes. So it is to be done in the trial. Yeah, one judgment is there, Lordship, I have filed. Yeah, dying declaration को 482 में discard कर देना चाहिए। ये इसमें एक judgment हमने पेश किया है annexure 82 में, Geo Vargis versus State of Rajasthan. कौन सा, कहाँ पे पेश किया? Page number annexure 82, page number 13. हाँ जी, क्या लिखा है इसमें? डाइंग डिक्लेरेशन इसमें क्या झूठा फंसाने का? प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ये थी लॉर्डशिप। मैडम जी, इसमें इतना है कि रेप के झूठे एलिगेशन लगाने के आरोप जो है 306 में नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा स्पेसिफिक इस पॉइंट पे नहीं है, बट दैट मस्ट बी, इसमें आया है लॉर्डशिप सुसाइड नोट, उसमें भी था एक बच्चे को, एक टीचर के ऊपर एलिगेशन था कि उन्होंने बच्चे के साथ मारपीट की जिससे बच्चे, ठीक है ना, एवरी एस्पेक्ट हैज टू बी डेल्ट विद सेपरेटली। किसी को थप्पड़ मार देना वो भी टीचर के द्वारा, शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन लॉर्डशिप, मे बी हार्डली मैटर्स, शी मे बी अ डॉक्टर, बट वेदर शी कैन कमिट एन ऑफेंस, दैट इज द क्वेश्चन। या फिर आप आईपीसी में बता दीजिए कि डॉक्टर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑफेंस, आपको एग्जेम्पशन मिलेगा सिर्फ जैकब, मैथ्यू जैकब वाले जजमेंट में, कहीं और एग्जेम्पशन नहीं है। तो आप तो इतना ही बताइए कि एफआईआर में अगर झूठा आरोप लगाने का, सॉरी डाइंग डिक्लेरेशन में अगर ये आरोप है कि आप उसको रेप केस में झूठा फंसाने का देते हैं धमकी, तो वो अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं होगा। बस इतने पे बहस कीजिए। एबेटमेंट में लॉर्डशिप तीन इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने चाहिए। इंटेंशनली एड्स बाय एन एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। यस जी, इसे एन एक्ट और यस, किसी को झूठा केस में, रेप के केस में फंसाने की धमकी नहीं आएगी 107 में, बस इतना एलोबरेटली आर्ग्यू कर दीजिए। जी लॉर्डशिप, मैंने उस पॉइंट पे एकदम सर्च नहीं किया है, बाकी मैंने इसमें ये, उससे हमें क्या लेना देना बाकियों से? 306 107 के मैंने कितने क्वेश्चन, आपके ही जजमेंट है मेरे पास, मैंने बहुत क्वेश्चन किए हैं, यहाँ क्वेश्चन किए हैं,
यहाँ पे तो हमने तो कंप्लेनेंट के ऊपर कॉस्ट तक लगाई है जी, सवाल इस बात का है कि हर एलिगेशन के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, किसी को भी 376 में झूठा फंसा के जेल भेज देने की धमकी जिससे कि उसका जीवन नरक बन जाए जेल में जाके, इज इट नॉट सफिशिएंट टू मेक आउट एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड? एक्चुअली लॉर्डशिप, इसमें जो ये जो डिसीज्ड है और जो उसकी मदर है, मैडम शी दे माइट बी द नोटोरियस पर्सन ऑफ द इलाका, नो प्रॉब्लम, मैंने देख ली डायरी, जब तक आप बहस कर रहे थे पूरी डायरी देख चुका हूँ। नाउ सी द एक्ट लॉर्ड, आप कहें कि साहब उनके खिलाफ बहुत लोगों ने कंप्लेंट्स कर रखी थी, पूरा मोहल्ला दुखी था, बहुत अच्छी बात है। क्या आप किसी भी दुष्ट व्यक्ति, आप क्या कह सकते हो, नोटोरियस ही कह रहे हो ना? मेरा कहने का मतलब, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो उनकी मदर और ये जो डिसीज्ड है, इन लोगों ने सबके खिलाफ भी रिपोर्ट्स करके रख दिए थे, तो जब इन्होंने बाकी रिपोर्ट्स किए थे, तो ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, ये जो इनके डाइंग डिक्लेरेशन में है, देयर इज नो कंप्लेंट पर्टेनिंग टू दैट। और मैडम मैडम तो क्या कितनी बार FIR होनी चाहिए कि देखो मेरे को झूठा फंसा रही, मेरे को झूठा फंसा रही, एक FIR एटलीस्ट वो कितनी होनी चाहिए? जीवित स्थिति कानून बताइए ना, मैं जीवित स्थिति में एटलीस्ट एक FIR तो होना चाहिए। भाई साहब मैडम आप ये बताइए कि कितनी FIR कानून के हिसाब से होनी चाहिए? वो तो मल्टीपल कितनी भी FIR कोई कर सकता है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? एक FIR तो होनी, कानून बता दीजिए। मेरा मतलब है अगर ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर हमने धमकी दी है, ही वाज एजुकेटेड बॉय, सॉरी मैडम, और लॉर्डशिप इसमें हमने दो लोगों के लिए लगाई हुई, रानी निषाद के लिए भी लगाया हुआ है, एंड इन द एंटायर डाइंग डिक्लेरेशन देयर इज नो स्पेसिफिक एलिगेशन, नथिंग अगेंस्ट रानी निषाद जी, शी इज द मदर ऑफ शिवानी निषाद, एजेड अबाउट 63-64 ईयर्स ऑफ एज। पूरे डाइंग डिक्लेरेशन को अगर पढ़ेंगे तो रानी निषाद के अगेंस्ट में कोई, और मैडम और क्या बयान है जी, और बयान क्या क्या है? बयान भी है लॉर्डशिप सब 161 के स्टेटमेंट्स हैं, उनके मदर का है शांति आहूजा, मैं रेलेवेंट पढ़ देती हूँ। मेरे पड़ोस में शिवानी निषाद, उसकी माँ रानी निषाद, तीजन भाई, कैलाश नंदनवार और उसकी पत्नी अनीता घर के सामने नाली कचरा फेंकने की बातों को लेकर 10 वर्षों से विवाद करते हुए आ रहे हैं। वर्ष 2020 में इन लोगों द्वारा हम लोगों से विवाद किया गया था, तो मैंने थाने में कैलाश नंदनवार और उसकी पत्नी अनीता के खिलाफ कोतवाली जिला बालाघाट में रिपोर्ट की थी। इसी वजह से इन लोगों ने आपस में मिलकर मेरे व मेरे लड़के पवन के खिलाफ उनके एक महीने बाद थाने में ही एक दिन दो रिपोर्ट किए थे, जबकि मेरा लड़का पवन, जो झगड़ा विवाद में नहीं रहता, उसका नाम जबरदस्ती इन लोगों ने रंजिशवश लिखवा दिया था। जुलाई 2022 में मेरा लड़का पवन इंदौर से बालाघाट आया, तो कैलाश नंदनवार व अनीता नंदनवार, जिन्होंने वहां से घर बदलकर दूसरी जगह चले गए थे, उसके बाद भी इन लोगों का अपने घर आना जाना लगा रहा था, और साथ में ये पांचों लोग मिलकर जब कभी भी आमने सामने आते तो मेरे लड़के पवन को धमकियां देकर कहते थे कि इसका भविष्य बर्बाद कर देंगे। बेवजह ये लोग मेरे व मेरे बेटे को आए दिन ताना देकर कहा करते थे कि कितने बेशर्म लोग हैं, इतनी इनकी रिपोर्ट होने पर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हम रहते तो कब से मर जाते। कई बार शिवानी द्वारा बलात्कार के केस में फंसाने की धमकियां दी गई। इन सभी बातों से मेरा लड़का काफी परेशान रहने लगा था। वहां पिताजी से कह रहा था कि पापा, इन लोगों ने अपनी हरकतें बंद नहीं किए हैं। तब मेरे पति ने पवन को समझाकर बमनी जिला मंडला नवंबर माह 2022 में अपने साथ लेकर चले गए थे। इसी बीच दिनांक 28/11/2022 को शिवानी व उसकी माँ रानी हमारे कचरे की बात को लेकर झगड़ा विवाद किए, तो मैंने ये बात पवन को फोन पर बताई, तो पवन ने बोला कि मम्मी थाने में रिपोर्ट कर दो। फिर मैं थाने में इन लोगों की रिपोर्ट करने गई। दिनांक 8/12/2022 को जब मेरा लड़का बालाघाट आया तो काफी परेशान व उदास था, मुझसे कह रहा था कि मम्मी, इन लोगों द्वारा इतनी झूठी शिकायतें बेवजह मुकदमे कर दिए हैं, जिससे वहां बात मेरे दिमाग में हर समय चलती रहती है, और ये शिवानी दीदी जबरदस्ती बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी देती रहती है। तब मैंने उसका हौसला बढ़ाया कि बेटा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन हम बमनी चले गए। इसी बीच दिनांक 17/12/2022 को मेरे पति सोयनसो आए हुए थे, मुझसे कह रहे थे कि शांति, अपना घर जल्दी बिक जाएगा तो इन लोगों की झंझट से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि पवन बहुत ज्यादा परेशान रहता है। मैंने कहा कि आप पवन का ध्यान रखो। फिर मेरे पति 20/12/2022 को बमनी आए और मुझे फोन पर बताए कि पवन ने कमरे में फांसी लगा ली है। फिर अनीस भाई के साथ और परिवार वालों के साथ खबर सुनकर हम बमनी पहुंचे जी मैडम।
such type, this same 161 statements of the father and the other witnesses were recorded, Lord Shiva. जी. और so far as the appellant number 2 is concerned, there is no allegation against her. जी जी. और appellant. I am also relying a judgment. Uday Singh versus State of Haryana. AIR 2019 Supreme Court 4570. Lordship, paragraph 16.1 and 16.2. I am only reading the relevant portion, Lordship. If the accused by his act and by his continuous course of conduct create a situation which leads the deceased perceiving no other option except to commit suicide, the case may fall within the four corners of section 306. If the accused plays an active role in tarnishing the self-esteem and self-respect of the victim, which eventually draws the victim to commit suicide, the accused may be held guilty for abuse of suicide. Here in the present case, this is not the case of applicant, that there is only bald allegations. In dying declaration, specific role, continuous, their action, their active role, that has been mentioned, Lordship. And one point, this may also kindly be noted, Lordship, how the deceased address the applicant. He has said Didi. And what type of allegations they have made? They all together are liable, Lordship, and trial is to be. Sure. ये किताब निकाल लेंगे 2019 या 457. Lordship, I am relying on Gangula Mohan Reddy and M. Mohan's judgment. दे दीजिएगा. And so far as positive action is concerned, Lordship, there is one more judgment which I would like to बताइए ना. 2010 volume 1 SCC 707 Amlendu Paul, Lordship, versus State of West Bengal. Amlendu ji Paul versus State of Bengal, paragraph 12.